Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is the next lecture in the series of UPSC Sociology Option Lecture Paper 2nd. Paper 2nd जिसमें Indian Sociology के बारे में जिक्र किया गया है, ये उसका second lecture है. ये lecture थोड़ा पहले आप लोगों को मिल जाना चाहिए था, but let me inform you कि lecture already record हो चुका था, but phone में कुछ problem आ गई थी, phone की screen की problem हो गई थी and phone मुझे change करना पड़ा, due to which data जो है वो retrieve नहीं कर पाई मैं and वो video automatically lost हो चुकी थी. तो ये जो topic मैंने आप लोगों को already एक video बनवा के upload करनी थी, उसमें काफी delay आ चुका है, तो again I am uploading this video, मेहनत लगी है. देखिए यही मैं बात कर रही थी ऑब्स्टेकल्स की, तो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं बहुत सारे अलग अलग तरीके के, टाइम मैनेजमेंट को लेके काफी सारी चीजें आ रही हैं. ये वीडियो डिलीट होना, दोबारा से सब कुछ नोट्स प्रिपेयर करके देन अगेन इस चीज को वीडियो को प्रिपेयर करना, बट ठीक है, रुकना नहीं है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, धीरे धीरे चलेंगे. जैसे भी कोशिश है कि इस चीज में मैं आप लोगों को मैक्सिमम चीजें कवर करवा पाऊं. तो दिस इज द सेकंड लेक्चर जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में इंडोलॉजी की बात की थी एंड इंडोलॉजी में मैंने एक वर्ड यूज, एक पर्सन का नाम यूज करा था, दैट इज जी एस घुरे, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडोलॉजी बोला गया. तो जी एस घुरे के बारे में एक लाइफ स्केच, इनका वर्क, इन्होंने किस किस तरीके से काम किया, कहां से इनकी एजुकेशन थी, ये बात करेंगे. नेक्स्ट वाले वीडियो में हम जीएस घुरे के व्यू पॉइंट्स पे बात करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जीएस घुरे का कास्ट को लेके, किनशिप को लेके, अलग अलग रिलीजन, मतलब रिलीजन के बारे में उनके क्या व्यू पॉइंट थे, तो किस किस टॉपिक पे जीएस घुरे ने काम किया और क्या व्यू पॉइंट उनके रहे हैं, ये हमारा फर्दर वीडियोस का डिस्कशन होने वाला है. अब यहाँ पे बात करते हैं, तो सबसे पहले किसी सोशियोलॉजिस्ट, किसी भी थिंकर के बारे में आप बात करते हो तो ये जान लेते हैं जन्म और मरण की बातें, कि कब इनका जन्म हुआ और कब इनकी डेथ हुई है. तो जन्म हुआ इनका 12 दिसंबर 1893 में महाराष्ट्र के एक विलेज मालवन में, एक ब्राह्मण कम्युनिटी, ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म हुआ. इनकी डेथ अगेन 28 दिसंबर, एक ईयर यहाँ से वर्ड रिप्लेस कर दो नंबर, दैट इज इन 1983 में इनकी डेथ हुई. बात करें तो इनिशियल एजुकेशन की, जो इनकी शुरुआती पढ़ाई थी, जिस जगह आप जन्मे हो, जहां आप रह रहे हो, वहीं आप बेसिक एजुकेशन लोगे, तो पहले इनिशियल एजुकेशन में बॉम्बे इन्होंने ली, देन ये जूनागढ़ गए आगे की पढ़ाई के लिए, हायर स्टडीज के लिए, एंड 1912 में ये बॉम्बे के कॉलेज एल्फिनस्टोन कॉलेज में ये इन्होंने आगे अपनी बी एंड एम ए की पढ़ाई करी, दैट इज बी और एम ए इन्होंने संस्कृत में की थी, अभी सोशियोलॉजी की बात नहीं की है. बीए के लिए इन्हें भाऊदाजी प्राइज मिला, प्लस एमए के लिए इन्हें चांसलर गोल्ड मेडल भी मिला. अब ये सब चीजें सोशियोलॉजी ऑप्शन में लिखनी तो नहीं होंगी, लेकिन ऑप्शनल पढ़ रहे हो, मतलब इनडेप्थ चीजें कवर कर रहे हो, तो ये जानना भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंस रखता है. बाकी की पढ़ाई के लिए इन्हें क्या मिली, इन्हें एक स्कॉलरशिप मिल गई इंग्लैंड में, तो ये वहां चले गए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से. 1922 में इन्होंने आगे पीएचडी करी, क्लियर. वहीं से एक बात कर सकते हैं, तो सोशियोलॉजी की जर्नी भी इनकी स्टार्ट हो गई वहां से. इनके जो पीएचडी गाइड थे, जिनके अंदर आपने पीएचडी की, जिनके अंदर आपने डॉक्टरेट की डिग्री ली, तो पीएचडी इन्होंने WHR रिवर्स के अंदर करनी स्टार्ट करी थी, क्लियर. WHR रिवर्स के अंदर पीएचडी करनी स्टार्ट करी थी, लेकिन इसी टाइम में उनकी डेथ हो गई, तो उनके डेथ के बाद जो इन्होंने अपनी पीएचडी कंटिन्यू की वो कंप्लीट करी इन्होंने एसी हैडन के अंदर. प्लीज मेक द नोट्स, एक सारे लेक्चर्स के अगर नोट बनाते रहोगे तो आपके पास एक अच्छा कंटेंट इकट्ठा हो जाएगा. अभी फर्दर वीडियोस में मैं जीएस घुरे के अलग अलग कंसेप्ट पे आऊंगी, जो आप लोग इग्नू एमए सोशियोलॉजी में भी पढ़ते हो अगर किसी ने एनरोल कर रखा है, प्लस यहाँ पे जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं. मैं कुछ 8-10 वीडियोस कवर करा दूं, उसके बाद मैं आप लोगों से सीधा सीधा मेन्स आंसर राइटिंग पे बात करने लग जाऊंगी. हम लोग सीधा मेन्स आंसर राइटिंग उठाएंगे एंड देन वी विल स्टार्ट डूइंग दैट. 1924 में इस सबके बाद इन्हें एक डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी था बॉम्बे यूनिवर्सिटी में, क्लियर, इन्हें उसका हेड बना दिया गया. कब? 1924 में, और 1954 तक ये उसके हेड बन के रहे, क्लियर. तो 24 से 54 तक इस जर्नी में ये इसके हेड बन के रहे. ये जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी था, इसे फाउंड किया था पैट्रिक गेट्स ने 1919 में, ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करा था पैट्रिक गेट्स ने 1919 में डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी. बट एट द टाइम जब जीएस घुरे ने इसको ज्वाइन करा, तो इसकी सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं थी. जीएस घुरे के टाइम पे ये काफी फ्लोरिश करा एंड घुरे ने आगे भी काफी इंडिया में काफी आगे लोगों को ट्रेन करा है सोशियोलॉजिकल प्रस्पेक्टिव से, सोशियोलॉजी की नॉलेज देने के लिए. तो स्टार्टिंग पॉइंट तो जीएस घुरे है. तो अगर बात की जाए तो रियल फाउंडर इस जो है डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी है, उसका रियल फाउंडर किसे बोला जाता है, जीएस घुरे. और क्यों रीजन है रियल फाउंडर बोला जाने का, फाउंडर तो ये थे लेकिन रियल फाउंडर बोला जाने का मतलब क्या है, द रीजन इज दैट कि इनके टाइम पे ये जो डिपार्टमेंट था ये काफी ऊंचाइयों को छुआ, इसने काफी सारी जो थी चीजें सोशियोलॉजी में अचीव कर ली. क्या करी, अब इस डिपार्टमेंट के थ्रू बहुत सारे काम हुए, अभी आगे बात करेंगे क्या क्या चीजें यहाँ पे हुई, जीएस घुरे से रिलेटेड ही होंगी ना सारी बातें, वो देखेंगे. जीएस घुरे ने एक इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी जो थी वो भी फॉर्म करी, विच इज देयर एट प्रेजेंट ऑल्सो.
इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी ज्वाइन करी जहां पे एक न्यूज लेटर लिखते थे, दैट इज सोशियोलॉजिकल बुलेटिन। तो सोशियोलॉजिकल बुलेटिन जो है वो रिलेटेड है आपका किससे, जीएस गोरे से। इन केस सम ऑफ यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग न्यू एमएस सोशियोलॉजी की है, तो शायद कुछ लोग नेट देने का भी प्लान करते होंगे, तो वहां पे ये पॉइंटर्स काम आते हैं। अदरवाइज सोशियोलॉजी पढ़ी है तो ये छोटी छोटी चीजें जाननी भी इंपॉर्टेंट है। बाकी डिटेल में तो और कंसेप्ट पे बात करेंगे, वो आपकी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी फर्दर वीडियोस में। इंडोलॉजी पे मैं बात कर चुकी हूँ डिटेल में, आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखी होगी और वो कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इन्होंने अराउंड 80 रिसर्च थीसिस गाइड करी है और 32 बुक्स लिखी है, ठीक है, 80 रिसर्च थीसिस भी और 32 बुक्स भी लिखी है। इनके जो स्टूडेंट थे जिनको आप आगे पढ़ने भी वाले हो, इनमें से कुछ पर्टिकुलर थिंकर को डिटेल में, एम एस राव इनके थिंकर मतलब इनके स्टूडेंट रहे, इरावती कर्वे, ए आर देसाई, एम एन श्रीनिवास एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और भी बहुत सारे लोग हैं इसमें। अब इनको किस किस नाम से बुलाया जाता था, तो इन्हें फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी भी बोला गया, फादर ऑफ मॉडर्न इंडोलॉजी भी बोला गया, डॉयर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजिस्ट भी बोला जाता था इन्हें, प्लस सिंबल ऑफ सोशियोलॉजिकल क्रिएटिवनेस भी इन्हें बोला गया, क्योंकि सोशियोलॉजी में क्रिएटिविटी लाने का काम इन्होंने किया था। डॉयर मतलब समथिंग वेरी ह्यूज यहाँ पे, तो सोशियोलॉजिस्ट में स्टार्टिंग पॉइंट तो यहीं से देखा गया इंडिया में। एम एन श्रीनिवास ने इनके लिए यूज किया था गुरे वॉज अ जायंट, मतलब ही वॉज अ वेरी ह्यूज पर्सनैलिटी विद रिस्पेक्ट टू सोशियोलॉजी। अगर हम बात करें तो एम एन श्रीनिवास तो उनके स्टूडेंट रहे हैं, एंड फर्दर अभी हम आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म और दो चार चीजें पढ़ेंगे अभी आगे इंडिया के परस्पेक्टिव में, तो वहां पे आप एम एन श्रीनिवास के बारे में भी डिटेल में पढ़ोगे। एम एन श्रीनिवास वॉज द वन जिन्होंने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की बात की, जिन्होंने फील्ड सर्वे फील्ड रिसर्च बोला जाता है, जैसे जी एस गोरे इनकी बुक व्यू की बात करते थे इंडोलॉजी में, बट यहाँ पे एम एन श्रीनिवास ने फील्ड व्यू पे भी फोकस करा है, दैट वी विल सी। इन्हें थ्योरेटिकल प्लूरलिस्ट भी बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने थ्योरेटिकली स्टडी करी है, टेक्स्ट को फॉलो करा है, बट इन्होंने इंडियन सोसाइटी को मल्टीपल एस्पेक्ट में स्टडी करा है। इंडियन सोसाइटी को स्टडी करने के लिए इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट वेरियस काइंड ऑफ मेथड्स यूज करे, दैट्स व्हाई इनको बोला गया प्लूरलिस्ट, किसको, जी एस गोरे को। अब इनके अलग अलग टॉपिक जो मैंने बोला कि फर्दर वीडियोज में हमें यही डिटेल में पढ़ने हैं, जी एस गोरे व्यू ऑन कास्ट, जी एस गोरे व्यू ऑन ट्राइब, जी एस गोरे व्यू ऑन किनशिप, कल्चर एंड सिविलाइजेशन पे क्या व्यू थे, रिलीजन पे क्या व्यू थे, फैमिली एंड मैरिज को लेके क्या व्यू थे। तो दीज आर द की एरियाज, की कंसेप्ट एरियाज और द टॉपिक जिनमें जी एस गोरे ने अपने व्यू पॉइंट्स दी और अपनी स्टडी करी। बाकी 32 बुक्स में अलग अलग जगह अलग अलग टॉपिक्स पे इन्होंने बात की है, जिसमें से एक इनकी फेमस बुक है कास्ट एंड रेसेस इन इंडिया, वो सब भी लिस्ट करवा दूंगी मैं आपको लास्ट में, लेकिन पहले वन बाय वन एक एक दो दो करके हम लोग फर्दर वीडियोज में ये टॉपिक ले लेंगे, ठीक है। तो वैसे तो जो वीडियो प्रीवियस बनाई थी उसमें एक दो टॉपिक ले भी लिए थे इसमें से, बट अभी इसको सेपरेट वीडियो में रखेंगे, बहुत बड़ा नहीं रखते हैं। तो आई होप ये बेसिक सी बात क्लियर हुई होगी और कुछ वीडियोस कवर हो जाएंगी, तब एक अच्छा कंटेंट आपके पास पहुंचेगा और तब आप थोड़ा अंडरस्टैंड कर पाओगे कि चीजें समझ में आ रही हैं और लिंक कर पा रहे हो या नहीं। एक दो वीडियो से आई नॉट से कि आप जज कर लो या आप चीजों को लिंकअप करने की कोशिश करो, बट 8-10 वीडियोस होने दो यार, चीजें खत्म होने दो, एटलीस्ट जीएस गोरे पूरा होने दो, तो इंडोलॉजी और जीएस गोरे समझ में आ जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे, यार देसाई पे भी आएंगे, बी पार्ट पे, एम एन श्रीनिवास पे भी आएंगे, इस तरीके से इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो अगर चीजें समझ में आई होंगी तो कमेंट करके बताइए, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समझने में दिक्कत है, कोई डाउट है तो भी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी एंड इफ यू वॉन्ट मी टू प्रिपेयर और मेक मोर सच वीडियोज, इसको कंटिन्यूटी में आप चाहते हो तो उसको भी कमेंट करके बताइए, एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर द वीडियो विद द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सोशियोलॉजी ऑप्शनल, या फिर जो भी सोशियोलॉजी यूजीसी नेट वगैरह की भी प्रिपेयर कर रहे हैं, यू गाइस कैन शेयर दिस वीडियो विद देम आल्सो। बाकी योर सजेशन आर मोस्ट वेलकम, योर कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम, योर फीडबैक इज मोस्ट वेलकम। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मेहनत लगी है, दोबारा से सब कुछ करना पड़ा है इसके लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द जीएस गोरे ऑन द डिफरेंट पर्सपेक्टिव। Thank you for watching.